अस्सलाम वालेकुम। आप समझते होंगे पाकिस्तान में बिजली नहीं है, ये मसला है, इंटरनेट नहीं है, ये ऐसे मसले हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सारी प्रॉब्लम पे आप फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे कोई अच्छा काम नहीं हो रहा और ये कि यंग बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है ज्यादा, ये सारी बातें आप सोचते हैं ना। ये आप बात आप गौर से सुनिएगा। ये अगला इंटरव्यू जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम दानियाल सलीम खान चौधरी है, आजाद कश्मीर से हैं और पाकिस्तान से पहले फाइवर के सुपर सेलर बने हैं, इनको ये आजाद हासिल है। ये काफी मीडिया में भी आ चुके हैं, आज मेरे चांस मिला है कि मैं इनसे बात कर सकूं, इनको अभी बुलाते हैं और आपसे बात करते हैं। लेट्स एंजॉय इट टुगेदर। दानियाल चौधरी साहब, आप ये बताएं कि आप कहाँ पे थे, क्या हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया और ये कि आप माशाल्लाह ये पाकिस्तान से फाइबर पे सुपर सेलर बने हैं, तो इसके पीछे तो बैकग्राउंड में क्या कैसे शुरू किया, इसके हमें कुछ स्टोरी बताएं ताकि पता चले कि एक पाकिस्तानी से सक्सेसफुल बच्चा है वो किन किन मुश्किल से और किस डिसीजन कर करके यहाँ। सर बेसिकली जब सर मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, जब मैं 2 साल यानी कि मेरी इंजीनियरिंग के हुए, यानी कि जब मैं 6th semester में था, टोटल 8 semester होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जब मैं 6th semester में था तो मैं अक्सर जाता था अपने सीनियर्स के पास, उनके पास जाके बैठता था, उनसे उनके व्यूज लेता, आइडियाज लेता था। तो हर जो इंजीनियर था यानी कि मेरे सीनियर्स थे, वो मुझे एक बात बोलते थे, यानी कि जो मेरा सर्वे था 80% उनमें से ऐसे थे जो ये बोलते थे कि यार तुम्हें 1-2 साल धक्के खाने पड़ेंगे, तुम्हें जॉब के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ, ये कैसा गंदा कल्चर है कि जिसमें आप बैचलर डिग्री करते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हो, फिर भी आपको 2 साल धक्के खाने पड़ेंगे। मैंने कहा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि मैं वो 2 साल की प्लानिंग ही पहले कर लूं, यानी कि जब मैं जॉब से यानी जब मैं अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करूं मुझे जॉब की यानी कि फिक्र ना हो। क्योंकि जब बंदा जो ही डिग्री अचीव अपनी ले लेता है उससे ये होता है कि मैं सबसे पहले जाके जॉब करूंगा, क्योंकि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है बंदे अपने। तो सर मेरे ये आइडिया वहां से आया कि क्यों ना मैं 2 साल की प्लानिंग पहले स्टार्ट कर दूं, ये इस टाइम मेरा फर्स्ट आइडिया था, ठीक है। उसके बाद ये कि मैं गया अपने कजन के पास, तो उससे मैंने बताया कि यार कोई भी मुझे अभी तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इसमें तो मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा हूँ, मुझे एक प्रैक्टिकल काम चाहिए जो मैं 2 साल पहले करूँ ताकि उस चीज का मुझे फायदा हो। अभी तो मैं थ्योरी पढ़ लूंगा, मेरा CGPA भी 4, अगर एक मैं रात को बैठूंगा मेरा 4 GPA आ जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन मुझे वो स्किल चाहिए जिससे मैं 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो जब मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। मैंने कजन से बात की, उसने कहा कि तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। तो मैंने कहा कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, उसने मुझे कहा कि एनी जॉब विच यू कैन स्टार्ट एंड एट एनी टाइम, अ सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब। तो सर मैंने उसे कहा कि वो तो मैं कर लूंगा लेकिन मुझे कोई स्किल भी तो आनी चाहिए ना। तो उससे मुझे आइडिया दिया कि तुम डिजाइनिंग, तो उससे मुझे 2 बातें पूछी कि तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट है। मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में है सेंस मेरा, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था लेकिन ये है कि उस टाइम पे कुछ ऐसी वजह हुई जिससे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें मेरा एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन ये डिजाइनिंग मेरा काफी इंटरेस्ट है। उसने कहा कि तुम ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, अगर मैं वो मुझे लग रहा है कि मैं इस फील्ड में अच्छा जा रहा हूं मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं जा रहा तो मैं खत्म कर दूंगा। देन वहां से सर ये कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को चूज किया, ग्राफिक डिजाइनिंग की सब कैटेगरी चूज की मैंने, लोगो डिजाइनिंग जो बेसिक जहां से मैंने स्टार्ट लिया। फिर सर मैंने सबसे फाइवर का इंटरनेट पे चेक किया कि फाइवर का क्या है, तो क्योंकि सबसे इजी जॉब मेरे लिए वही थी जो $5 से स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट था। तो मुझे मेरे कजन ने एक बात बोली कि ये तुम्हारा स्टार्ट है, तुमने फाइवर को एज अ स्टार्ट लेना है, क्योंकि सबसे जो कम जॉब थी वो $5 से फाइवर स्टार्ट हो रही थी और कहीं पे यानी कि सबसे कम यही जॉब थी। देन मैंने वो फाइवर स्टार्ट की, तो शुरू में लोगो डिजाइनिंग स्टार्ट की, तो मेरे 1 महीना जब गुजर गया तो मुझे कोई काम नहीं है, बिल्कुल जीरो था। तो मैं गया वापस अपने यानी कि जो टीचर थे, कजन ही है मेरे, तो मैं गया उनके पास, तो मैंने उनसे शेयर किया कि यार मुझे पूरा महीना गुजर गया लेकिन मुझे काम नहीं आया। तो मेरे कजन ने मुझे एक बात बोली कि दानियाल यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वहां से फिर सर मैं दूसरा महीना मैंने ये कि जो उस फाइवर की वेबसाइट है उसके ब्लॉग्स फॉरम पढ़े, देन दूसरे महीने मैं $400 करके लाया। स्टूडेंट लाइफ में $400 40,000 pages वाज अ बिग अचीवमेंट। मैं क्या इतना खुश हुआ कि यार देखो कि मैंने $40,000 कर लिया। वो बड़ा खुश, उसने मुझे एक बात बोली कि ठीक है अच्छा है लेकिन तुम एज 1,000 rupees कर सकते हो यानी कि $800 कर सकते हो। तो मैंने ना एक बात मेरे दिमाग में, मैंने कहा ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है क्योंकि मेरे भाई वगैरह आर्मी में है, इतनी पे तो उनकी नहीं है, मैं 80,000 कैसे करूंगा। तो मैं चुप हो गया,
मैं चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने दिल में सोचा ये वैसे ही मेरे टीचर तो है, लेकिन टीचर ने ओवर द टॉप बात कर ली है। लेकिन है मैंने ना बस मजाक में समझ के घर आ गया, लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी उसमें। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ। नेक्स्ट मंथ गुजरा, मैं 90,000 पाकिस्तानी रुपीज करके मैं बड़ा खुश। मैंने कहा दिस इज दी एंड। मैं जब जुई गया अपने टीचर के साथ तो बड़ा मतलब खुश होकर बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, सर I have done 90,000 rupees, $900. तो मुझे सर कहते हैं कि दानियाल अच्छी बात है, लेकिन तुम $2,000 कर सकते हो। तो उस टाइम मेरे ना मैं कुछ शॉकिंग जी लगा, मैंने कहा अगर मैं 90,000 rupees कर सकता हूँ तो मैं 200,000 भी पाकिस्तानी rupees कर सकता हूँ। देन मैं घर आया, मैंने अपना सेटअप कुछ नए आइडियाज खुद क्रिएट किए। पहले मैं 2-3 यानी कि दिन बैठ के सोचता रहा कि अगर मेरे पास 90,000 कर सकता हूँ तो इसे मैं 200,000 किस तरह कर सकता हूँ, क्या नए आइडियाज होंगे, क्या नई वो टेक्निक्स होंगी जिनमें यूज करके इसे डबल कर सकता हूँ। देन मैंने ये किया कि मैंने अपने लोगों से मैंने स्टार्ट लिया, लोगों से मैं स्टेशनरी की तरफ आ गया, लोगों के साथ मैंने बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, वेबसाइट, इससे अपनी डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। उससे क्या है कि जो मेरे 90,000 थे वो 200,000 पे चले गए। अगले महीने 2 को मैंने 4 किया। मुझे टारगेट इस तरह मिलता था कि दानियाल तुमने 4 को 8 करना है, 8 को तुमने 16 करना है, डबल। और मैं कभी भी नहीं इस तरह मैंने सोचा कि अच्छा 2 को 4 ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, शुरू में मुझे हुआ जब मैं 30 से गया यानी कि 80 पे, यानी कि पहली 2-3 बार हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये ऐसी चीज है जिसमें मैं मेहनत करूंगा, टेक्निक्स यूज करूंगा तो घर बैठे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सर्विस किस तरह प्रोवाइड करते हो, उसे डबल से 4 गुना 4 टाइम्स जितने मर्जी टाइम मुझे कोई बोलेगा मैं कर सकता हूँ। फिर जब एक लेवल ऐसा आया कि मुझे खुद पे यकीन हो गया कि मुझे कोई भी लेवल मिलेगा मैं अचीव कर लूंगा। लेकिन फिर मेरा अभी ये यहाँ तक जो मेरी यानी कि फर्स्ट स्टेज खत्म होगी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे बाकियों को फायदा हो, क्योंकि ये चीज सिर्फ मेरे तक थी। मैं 1 मिलियन कर रहा हूँ, 2 मिलियन कर रहा हूँ, 3 मिलियन कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे तक थी। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बाकी सबको फायदा हो, मैं इस चीज की ट्रेनिंग बाकी सबको दूं। मैंने फिर बीइंग एज अ स्टूडेंट जितने मैं अपने कजन के साथ मिला, मैंने कहा हमें को एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहिए, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ ट्रेनिंग दें, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्यों ना हम उन्हें वहां से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें। फिर हमने एक स्टेप्स के नाम से इंस्टीट्यूट बनाया, वहां से फिर हम ये कि जितने जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं है, जिन्होंने घर में अपनी फीस वगैरह पूरी करनी होती है, फिर हमने वहां पे एक सेटअप बनाया। वहां पे फिर हमने शुरू में ये है कि एक 2 सेमिनार अरेंज किए जिसमें हमने ये है कि मैं एक इंस्पिरेशन बनता गया बाकियों के लिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी करना हो अगर आपने किसी इंसान को कहना कि कुछ काम करना, सबसे पहले उसे 3 चीजों की जरूरत होती है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन। कोई भी इंसान है जब तक कोई इंस्पिरेशन ही लेगा वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब मुझे क्या पता, मैं किसी अब जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे कजन ने या मेरे टीचर ने मेरी इंस्पिरेशन दी, दानियाल वो देखो वो ऐसा कर रहा है तुम भी ऐसा कर सकते हो, मुझे मोटिवेट किया। अगर मुझे डायरेक्ट कहता दानियाल तुम काम करो बस तुम्हें जाके ये करना है तो मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन जब वो मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है देखो वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, फिर मोटिवेशन तुम कर सकते हो, तुम में ये टैलेंट है। फिर तीसरी जो चीज है डिटर्मिनेशन, वो मेरे खुद के अंदर से आएगी कि मैंने खुद को कैसे उस चीज की तरफ यानी लेके जाना है। तो ये 3 चीजें यानी कि ये मेरा अपनी है कि मैं कहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो आपको 3 चीजों की जरूरत है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन। इस यानी इन 3 चीजों को फॉलो करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। फिर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि उस चीज को मैंने आगे मैंने टीम बना ली, आगे फिर ये कि ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड हर चीजें मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। और इसकी इस चीज के 3 साल मैंने फाइबर काम किया और इन 3 सालों में मैंने इतनी यानी कि मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले जिस इलाके, आपको पता है कि आजाद कश्मीर एक स्टेट है पाकिस्तान की, जहां पे इंटरनेट फैसिलिटीज अभी तक 3G और 4G यानी आया, ऐसा होता है कि 3 घंटे नेट चलेगा 4th घंटे नेट नहीं होता। और फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनलाइन काम कर रहे हो, आपको नेट फ्लो में चाहिए, हो ही नहीं सकता कि 1 घंटा रुका और आपका काम नीचे आया। लेकिन उन चीजों को कैसे मैनेज करना था, कैसे यानी कि सेटअप बनाना था, इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है। लाइट का यहाँ पे आपको पता मसला पाकिस्तान में, इन सब चीजों के बावजूद जब मेरा इंटरव्यू हुआ सुपर सेलर के लिए, मैंने सब चीजें मेंशन की उसमें, मैंने उन्हें बताया कि सुपर सेलर बनना किसी और मुल्क में अगर कोई एक फ्रीलांसर काम उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं पाकिस्तान का 22 साल मेरी एज है, ठीक है, मैं इंटरव्यू सब बताया कि मैं इस इलाके से बिलोंग कर रहा हूँ। उन्हें तो आजाद कश्मीर का पता भी नहीं है कौन सी स्टेट है, ठीक है, उन्हें इतना पता पाकिस्तान। फिर मैं बताया पाकिस्तान की जिस तरह यूएस में स्टेट्स हैं, सीधा पाकिस्तान की भी एक स्टेट है आजाद कश्मीर, और एक छोटा सा शहर है उससे मैं कर रहा हूँ, बिलोंग कर रहा हूँ, और वहां पे इंटरनेट भी नहीं है, 4 घंटे इंटरनेट होता है, 12 घंटे नेट होता है मेरे पास, 12 घंटे नहीं होता,
और 12 घंटे में मैं इस चीज को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। फिर मैंने उन्होंने टैक्सिंग टेक्निक्स बनाई। वो बहुत खुश हुए कि यार तुम इतने छोटे से इलाके से और तुमने इस तरह अच्छी तरह के मैनेज किया हुआ है। तो ये इस तरह से मेरी शॉर्ट सी स्टोरी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने मोर देन 300 स्टूडेंट्स यानी कि उन्हें ट्रेन कर चुका हूँ जो सिर्फ फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, ओवर द इंटरनेट अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनके पास ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा यानी कि स्किल्स है, सिर्फ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। कोई ग्राफिक डिजाइनर बना हुआ है, कोई वेब डिजाइनर बना हुआ है, लेकिन क्या है कि उन्हें एक्सपोजर नहीं है कि आप ऑनलाइन बैठ के किस तरह काम कर सकते हो। हमारा यहाँ पे कल्चर ही है जो पाकिस्तान में, वो यही है कि आपने जॉब करनी है गवर्नमेंट की जॉब करनी, ठीक है। अगर वो जॉब नहीं मिलनी ब्लेम कर देना है जी पाकिस्तान में सिफारिश है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन करप्ट है। पाकिस्तान का अगर पॉलिटिशियन करप्ट है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर, तुम्हारा तो कोई लिंक ही नहीं होना चाहिए ना, वो तुम्हारी जॉब अपनी जगह है, तुम्हें क्या लगे। देखे मैं बता रहा हूँ, मैंने सुना है, मैंने अपनी मेरी 22 साल की जो मेरी एज है उसमें मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है लोगों की बातें सुन के, अगर किसी की जॉब नहीं होती वो दूसरे को बोर होता है, यार मेरी जॉब हो जानी थी यहाँ पे, मेरे ख्याल से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट है वो करा। तो मैंने यार सोचा, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जॉब का प्रेसिडेंट से क्या तल्लुक है, वो सिर्फ तुम्हारी जॉब के लिए बैठे हुए, नहीं जी इसे जॉब नहीं करने देनी। मैंने कहा खुद कुछ करो, खुद जॉब्स क्रिएट करो। मैंने कहा जाके पढ़ो देखो, मैंने उन्हें एक बात बताई, मैंने कहा देखो मैंने स्टार्ट फ्रीलांसिंग लिया था लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मैं आया, मैंने अपने तक ये चीजें देखी, मैंने सबको ये फायदा दिया। एक जॉब तो मेरी अपनी होगी लेकिन उस जॉब को छोड़ के जो मैंने अपनी टेक्निक यूज करके जो मैंने मोर देन 300 स्टूडेंट्स को जो जॉब मिली है, मैं नहीं कहता कि मेरी वजह से हुई है लेकिन ये है कि मैंने उन्हें एक रास्ता दिखाया, मैंने कहा इस तरह भी हो सकता है और माशाल्लाह सब अर्न कर रहे हैं। तो ये मेरी यानी कि अचीवमेंट थी और इस बिहार पे यानी कि मैं सुपर सैलर बना था, पाकिस्तान का पहला और मुस्लिम भी पहला। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपने जो शेयर किया है, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप अपनी स्ट्रगल कैसे मैनेज कर रहे हैं और ये मैनेज के बावजूद मुस्लिम एंड 12 आवर्स इंटरनेट के बावजूद उसमें भी बिजली का शोर नहीं होता, बिजली कब होगी कब नहीं होगी प्लान इतना नहीं कर सकते। सारी मुश्किल के बावजूद यू फोकस्ड ऑन योर सक्सेस, दैट्स अ की थिंग, यू स्टेड ऑन दैट वन, यू नेवर लेट इट गो, दैट्स अ डिटरमिनेशन, यू आर रेजिलिएंट एंड यू फोकस्ड ऑन योर टारगेट। आपको टारगेट जो भी आपका टारगेट था आपने अचीव करना है, बेशक वो आपके फ्रेंड ने दिया, आपके कोच ने दिया, बट यू स्टेड फोकस ऑन दैट वन, दैट वाज द की थिंग। रिपोर्टेड राइट सर, इसमें एक सर इसमें दो तीन बातें आ जाती हैं क्योंकि मैं हर चीज को मैं हमेशा दो बातें अपने दोस्तों से भी और हर किसी से बोलता हूँ। तो मैं जहां भी जाऊँ मैंने कहा मैं अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं है कि उन्हें फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैं न्यू आइडियाज को फॉलो करता हूँ, मैं उन्हें फॉलो नहीं करता। उसकी दो वजह है, उसकी दो वजह ये है कि जनरेशन गैप होता है, क्योंकि जब हम छोटे थे बचपन में तो हम जब बड़े होते थे तो जब मैं 12 साल का था 13 साल का तो मैं अपने पापा से कहता था पापा मेरे ये बैट ले आए बॉल ले आए, लेकिन आजकल की जनरेशन दो दो या चार साल की है वो बड़ी होती है उन्हें इन चीजों का पता ही नहीं है बैट क्या बॉल क्या, वो कहती है एंड्रॉइड मोबाइल दे हमें इंटरनेट दे, ठीक है मोबाइल आप पकड़ा देंगे ना उठा के नीचे फेंकेंगे, कहेंगे नहीं इसमें 3G नहीं है, पहले गेम्स होती थी गेम्स खेलते थे, अब कहते हैं हमें ऑनलाइन गेम्स खेलनी है। तो फिर हम अपने क्यों टीचर्स और उन वालदैन को फॉलो करें जिन्हें एंड्रॉइड का नहीं पता इन टेक्निक्स का नहीं पता, क्योंकि ये उनका कसूर नहीं है। अगर हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारा कसूर है, उनका कसूर नहीं है। दूसरी एक और बात मैं ये भी बताना चाह रहा था कि हमारी जो जनरेशन है ये लैपटॉप को और एंड्रॉयड मोबाइल्स को इन्हें सिर्फ फेसबुक की हद तक ना रखे, वो क्यों इस चीज में टाइम जाया करें। सोशल मीडिया अच्छी बात है यूज करें, लेकिन अगर आपके पास हर आजकल हर अगर कोई एक तो हमारा ये कंसेप्ट बना नहीं जी गरीब है उसके पास मोबाइल नहीं, लेकिन अब मैं गांव में मैंने सर्वे किया, मैं हमेशा जाके सर्वे करता हूँ हर चीज का, मैं अपने गाँव में गया हूँ, मैं अभी तो यार सिटी में रह रहा हूँ लेकिन मैंने सर्वे किया गाँव में भी, मेरा नहीं ख्याल के कोई भी गाँव का एक ऐसा घर हो जिस घर में एंड्रॉयड मोबाइल ना हो, और वो लोग मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल लैपटॉप उनके पास है वो सब यूज करते हैं, सिर्फ ये बात बनी हुई है जी नहीं नहीं जी गाँव में ये चीजें नहीं और वो हमसे ज्यादा यूज करते हैं। तो मैं ये सबको अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास मोबाइल लैपटॉप है तो आप इस चीज को सिर्फ फेसबुक या मूवीज देखने के लिए प्लीज मत रखें, इसे आप यूटिलाइज करके एटलीस्ट आप ये जो कहते हैं जी हमें जॉब्स नहीं है हमें ये नहीं है वो नहीं ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई है ही नहीं। दूसरी बात जो स्टूडेंट्स होते हैं इस तरह जो कहते हैं कि जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था तो मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन आए कि एक्चुअली ये बात इस तरह से है कि हम अभी पढ़ रहे हैं हमारे पेपर्स आ जाते हैं सर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें बात बताई, मैंने कहा जब आपको पता है जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो मैं कौन से सेमेस्टर में था, कहते हैं सर कौन से, मैंने कहा मैं 6th सेमेस्टर में था और मेरे फाइनल पेपर हो रहे थे, ठीक है, और मेरा CGPA 3.4 आया, ठीक है। तो ये सब बातें आपने नहीं ये सब बातें होती हैं आपकी माइंड की होती हैं, अगर आप माइंड में यही सेट कर लिया ना सर बिजली नहीं होगी इंटरनेट नहीं होगा पेपर आ गए तो आप कभी लाइफ को अचीव नहीं कर सकते।
अगर आपने ये जहन में रख लिया अच्छा ये मैंने अचीव करना है, अगर मैंने 8 को 10 बनाना है तो करना है, बिजली बंद होगी या नेट हो गया, इससे सही एक एम रख लिया है, आप अमेरिका में हो, आप इंग्लैंड में हो, आप पाकिस्तान में हो, किसी एक गांव में हो, विलेज में हो, आप वो लेवल अचीव कर सकते हो। लेकिन वही बात आ जाती है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन। तब तक आपने डिटर्मिनेशन, कोई काम करने की सलाहियत ही नहीं होगी। वो बिल गेट्स ने एक बड़ी अच्छी बात बोली हुई है कि इफ यू बोर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। अगर आप गरीब पैदा होते हो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन आप गरीब मरते हो तो ये आपका कसूर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मेरी अपनी थॉट्स थी, इनसे मैं ये एक इंस्पायर करता क्या जो मेरे कोलीग्स थे यानी कि जो मेरे स्टूडेंट्स थे। इस तरह काफी क्वेश्चन उनकी बड़ी अच्छी होती है, कुछ ये भी कहते हैं कि सर पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक। मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि हालात ठीक तभी होंगे जब आप ठीक होंगे, अगर आप ही नहीं ठीक तो हालात कभी ठीक हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज कोई काम कर रहे हो, अगर आप ये माइंड में बना लो कि अच्छा मैं ये काम करूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कोई भी काम करें आप रिस्क लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये चाहें कि मैं सोया भी रहूं, मैं मजे भी करूं, मैं ये भी करूं, मुझे हर चीज मिले, तो वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर माइंड बना लिया मैं ये चीज करनी है तो आप कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह डैनियल, आपने बहुत अच्छा बताया। अब मेरा अगला सवाल ये है कि आप किस लेवल पे अब फाइबर पे अभी पहुंचे हैं और आप कहाँ पे जाना चाहते हैं आगे, आगे क्या है, हाउ दैट लुक लाइक? एक्चुअली सर मेरे थोड़े एम जो है, ऑब्जेक्टिव है, वो थोड़े डिफरेंट किस्म के हैं, तो कुछ लोग तो हैरान होते हैं और कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। एक्चुअली अभी जो मैं सबको बता रहा हूँ कि मैं तकरीबन 2 महीने से हो गया मैंने काम स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि सुपर लेवल फाइबर का ही लेवल है। ठीक है, अभी बस मैं बाहर निकल के लोगों को इसकी अवेयरनेस दे रहा हूँ, अपना मैंने काम स्टॉप कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज को जितना फैला सकूं, क्योंकि मैं अभी एक इंस्पिरेशन बन चुका हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ अगर मैं इंस्पिरेशन बन चुका हूँ तो मैं इस चीज को अपने तक ना रखूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसके सेमिनार मैंने काफी अरेंज करवाए हैं, काफी यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, वहां पे जाके लोगों को अवेयरनेस देना कि इस तरह एक्साइट है, आप क्यों एक जॉब के पीछे पड़े हुए हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आओ, फ्रीलांसिंग की तरफ आओ। तो अभी बस मेरा यही एम है कि मैं लोगों को इसकी अवेयरनेस दूं, और इसलिए मुझे अभी थोड़ी सी मुश्किलात यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत है। तो अभी मेरा दिल था कि हमारी जो कम्युनिटी बाहर है, अभी मैं अमेरिका के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा अभी यही एम है कि मैं बाहर से जाके MSP करूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और एंटरप्रेन्योरशिप में, या इन दोनों में से किसी में मास्टर्स करने का मेरा है इरादा, तो भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ बाहर के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वंडरफुल वंडरफुल। आप ये कि ये जो आपने फाइबर पे अचीव किया है, अगर मैं आपको कहूं कि आप 3 सीक्रेट फाइबर के सक्सेस के आप शेयर करें, ओनली 3, आई एम श्योर देयर आर सो मेनी बट यू नो ओनली 3, ताकि जो लोग फाइबर पे काम कर रहे हैं वो यूज कर सकें। ये ऐसे समझना जैसे कोई आपसे चोरी करने आया नॉलेज की, आप उसको लेके भाग गया है, शुक्रिया भी नहीं अदा करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो यूज कर ले। 3 एक्शनेबल स्टेप्स हूं, गो फॉर इट। सर मैं सबसे पहले बताता हूँ कि जो नॉलेज आपने कहा कि बताना है, नॉलेज मेरे पास एक इमानत है, इसे इमानत है, ये मैं अपने तक नहीं रखूंगा। मैं जितनी कोशिश होगी इसको मैं दिल से, यानी कि हमारा यहाँ पे जो कल्चर है वो इसी वजह से हम पीछे, इस वजह से हैं क्यों अपना नॉलेज और अपनी सक्सेस शेयर नहीं करते किसी के साथ। अगर मैं अचीव कर लेता हूँ मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तो ये गलत बात है। सबसे पहले अगर मैं अपनी सक्सेस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इस वजह से कि लोग इससे इंस्पायर हों और सीखें कुछ, मैं इस चीज को अपने तक लिमिट करके नहीं रखना चाहता। तो फाइबर के आपने जो 3 पूछे क्या सक्सेस, वो सबसे पहले था ये कि ऑनेस्टी, बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। मैंने कभी भी आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया, यानी कि किसी का मतलब आप कह लें कि डिजाइन चोरी नहीं किया। मैंने अपनी आइडेंटिटी ओरिजिनल शो की, मैं अपना फेसबुक वेरीफाई किया। हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा यानी कि आप कह लें ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर कोई लड़का या लड़की वो अगर फेसबुक यूज करता है वो क्या करेगा, अपना नाम चेंज किया होगा, किसी ने एंजल आईज रखा होगा, किसी ने ब्यूटी क्वीन रखा होगा। तो ये कल्चर हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आपने खुद भी चेक किया होगा, मैं खुद भी अक्सर मुझे रिक्वेस्ट आई होती है, किसी का नाम लिखा होता है एंजल डॉल, किसी का प्रिंस हमायूं। तो अब ये सबसे बड़ी बात है, जब आप आइडेंटिटी शो ही नहीं करोगे ओरिजिनल, तो जो फैब्रिक कम्युनिटी बैठी हुई है, जब आप उसको अपनी फेसबुक जो है वो लिंक करोगे फाइबर के साथ, क्योंकि आप वेरीफाई कर सकते हो, जिस तरह मैंने अपनी प्रोफाइल दानियाल खान चौधरी लिंक की हुई है प्रॉपर, तो वो शो करते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्यूटी क्वीन कौन सी है, इसने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं की हुई, इसने अपना काम क्या करना है। तो ये सबसे मेन टिप है, मैं कहता हूँ कि अगर आप सब आप जैसे भी हो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें
अगर एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी को अपनी खुद को शो करे कि हाँ जी मैं दानियाल हूँ, मुझे अपनी फुल एंड फ्लेज उसे शो करना चाहिए, हाँ मैं दानियाल हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब, मैंने अपनी आइडेंटिटी सबसे पहले शो की, आई एम मुस्लिम, आई एम दानियाल सलीम, आई बिलोंग टू मीरपुर, आजाद कश्मीर, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह सबसे पहले तो फाइबर की टेप होगी, बी ऑनेस्ट विद यू फर और शो योर ओरिजिनल आइडेंटिटी। दूसरा फाइबर की सबसे बड़ी टेप ये है कि आपको फर्स्ट सिक्स मंथ कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको बिल्कुल आप कहने फ्लो में काम करना चाहिए, आपको इसमें कोई ब्रेक, आप छुट्टी नहीं ले सकते 6 महीने, इसमें आपको एक छुट्टी भी नहीं करनी, ठीक है, इसमें आप कह लें कि अगर आपको कोई काम आ गया, पेपर आ गया, तो आप ये काम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि फाइबर पे अगर आप एक दिन भी 24 आवर्स अगर आपने काम स्टॉप किया है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर फाइबर पे आपने काम करना, आपको अपना काम तेज करना होगा, दो बातें। तीसरी बात यह है कि सबसे पहले जो आप अपना अकाउंट बनाएंगे उसमें आप कोशिश करें कि आप अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें दे सकें। देखिए अगर मैं एक अपने क्लाइंट को लोगो दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे चाहिए कि अगर मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूँ, बिजनेस स्टार्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं कि अगर आप कस्टमर आपके पास आ गया, आप गिव समथिंग एक्स्ट्रा, आप कुछ उसे एक्स्ट्रा दें। अगर आप लोगो दे रहे हैं, लोगो के साथ आप उसे 2-3 चीजें उठा के, एक लोगो है उसे आप डिफरेंट कलर्स में दे दें, ठीक है, उसे आप डिफरेंट मॉकअप्स में दे दें, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। देखिए अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसे प्यार से अच्छे तरीके से पैक करके खूबसूरत तरीके से बना के देंगे तो लेने वाला बहुत खुश होगा, वो रिकमेंड करेगा कि यार देखो ये एक सेलर बैठा हुआ है जो इन 10 डिजाइनर से हट के चीज दे रहा है और बहुत अच्छी दे रहा है, इसकी प्राइस भी अच्छी है और ये मेहनत भी बहुत कर रहा है। देखें हम अक्सर बात करते हैं कि इसकी मिसाल मैं आपको छोटी एग्जाम्पल इस तरह देता हूँ कि हम कहते हैं कि अच्छा ये एक ब्रांडेड चीज है और एक ये लोकल चीज है, ठीक है, इन दोनों में फर्क है, ठीक है, जो लोकल चीज होती है ना आप उसकी फिनिशिंग देखेंगे वो बड़ी अजीब सी होगी, कोई धागा इधर गया होगा, कोई इधर गया होगा, जो ब्रांडेड चीज होगी ना उसकी आप स्टिचिंग देखेंगे बड़ी साफ सफाई, बड़ा अलाइन हुआ, आप देखते साथ ही बोलेंगे अच्छा यार कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी फिनिशिंग हुई है। तो यही बात है कि जब आप अपना डिजाइन किसी को दे रहे हैं तो उसकी फिनिशिंग अच्छी करके, सही तरह नाप तोल करके, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आई एम श्योर के वो जो बायर होगा वो खुद तो आएगा वापस, 7-2-3 जो उसके कुलीग उन्हें रिकमेंड भी करेगा कि यार ये देखो इस डिजाइनर के पास जाओ, ये आपको चीज सबसे अच्छी देगा। तो ये 3 टिप्स हैं मेरे ख्याल से सबसे अच्छी। बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे टिप्स आपने बताए। सबसे पहले तो आपने ये बताया कि नेक नीति से ऑनेस्टी से करें, अगर वैसे भी आप मुसलमान हैं तो आपको वैसे नेक नीति से ऑनेस्टी से काम वैसे हर कोई करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आपकी जो आइडेंटिटी है अल्लाह ताला ने हर इंसान को, आप मुसलमान है या नहीं है कोई बात नहीं, हर इंसान को अल्लाह ताला ने दिया है और अपनी गिफ्ट है वो आप हैं, आप खुद हैं, बिल्कुल ओरिजिनल अपना गिफ्ट, बिल्कुल सर करें आप, इसलिए नाम चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम ये पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी में कहते हैं आपके फेसबुक पे नाम आपके नादरा कार्ड के नाम से मैच करना चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्या कैसे एक्सेप्ट कर लें, हमें बंदा अपने खुद ही झूठ बोल रहा है अपने आप से, हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर लें। जी सर बिल्कुल सर सही है, यही सर, वही सर मैं आपको बात बता रहा हूँ कि देखें अगर आप भी एक ऐसे बंदे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे जिसकी आइडेंटिटी नादर से शो नहीं हो रही, तो जो एक फ्रीलांसिंग की साइट है जो एक इतनी बड़ी यानी कि आप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग पैसे अर्न कर रहे हैं, थाउजेंड्स डॉलर वहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे हमसाए मुल्क जी जी ज्यादा है जी बिल्कुल, तो वही बात है कि वो तो फिर उन्हें तो ये चीजें चाहिए, वो तो चाहेंगे कि एक ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ पे आके उनकी रेपो का भी मसला बनता है। देखिए अगर मैं सुपर सेलर बन रहा हूँ, कल को वो मुझे उनके ब्लॉग्स में आ रहा हूँ, कल को उन्हें पता चले बंदा फेक है, इसकी आइडेंटिटी ओरिजिनल नहीं है, तो इसमें उस साइट की जो रेपुटेशन है वो किस कदर डाउन होगी। तो ये चीजें वो सबसे पहले रखते हैं। हाँ अगर आपकी आइडेंटिटी, जब कोई भी चीज अगर मैं ब्लॉग्स में आ गया हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे जो फ्रीलांसर जितने भी हैं बाकी साइट्स के भी, वो भी जानते हैं कि हाँ दानियाल खान चौधरी एक फाइबर का सुपर सेलर है, क्योंकि टोटल 21 है तो उन्हें पता होगा कि दानियाल सीम एक है। लेकिन जब उन्हें कल को ये खबर आउट होती है कि दानियाल सीम एक फेक बंदा था, ओरिजिनल बंदा कोई और है, सारी तो इससे फाइबर की रेपुटेशन सारी मैंने जाया हो गया, जीरो हो गया ना, बिल्कुल जीरो हो गया। सर ये सबसे पहले ऑनेस्टी आ जाती है, क्या कहेगा दानियाल नाम का, इस गाँव में शहर में बंदा को एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल एग्जैक्टली
एग्जैक्टली सर यही। फिर बात को शुरू से ऑथेंटिक से शुरू करना चाहिए ताकि आपको कोई चेंज ना करना पड़े। ऑथेंटिक वर्जन तो वही सेम रहता है, वो पहले भी हो या बाद में हो एक ही रहता है ना। जी सर बिल्कुल। अच्छा दानियाल साहब, ये आपका बहुत शुक्रिया भाई। मैं आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, शायद आप मुझे आई हैव नो आइडिया कि आपका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा जरूर। मुझे परमिशन है कि मैं आपसे ऐसा सवाल पूछ सकूं जिसका जवाब मुझे यस में चाहिए? यस सर मैं दूंगा, इंशाल्लाह दूंगा। अच्छा अब ये 100% यस है या कि वो शाय वाला यस है? इंशाल्लाह सर जरूर दूंगा। As you are aware of, I am the founder of Pakistani Social Entrepreneurship Academy. ये Al-Sharif Foundation का project है. We are on a mission to train 1 million people in Pakistan to become entrepreneur. 1 million. आपने 300 किए हैं? हमें आप जैसे दानियाल की पाकिस्तान से जरूरत है कि हम 1 million लोगों को ट्रेन करें एक साल में। बिल्कुल सर, मैंने ये पढ़ा है। अच्छा अब हमें ये, हम अकेला काम कर ही नहीं सकते। अगर मैं करूंगा ये मैं फेल हो जाऊंगा। समझिए मेरी टीम में पूरी दुनिया में बैठी है, वो भी सारे इकट्ठे मिलकर भी करें नहीं हो सकता। इसमें हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। अब सवाल ये है कि आर यू ऑन बोर्ड टू ट्रेन आवर पीपल? क्योंकि आप पहले आप अपने इंटरव्यू में खुद ही बता चुके हो कि मैं लोगों को मैसेज फैलाना चाहता हूँ। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म वो दे रहा हूँ जिसमें आप मिलियन लोगों को मैसेज फैला सकते हो, नॉट 1, नॉट 2, नॉट 10। और ये ऑनलाइन है, इसका कोई वो कोई लोकेशन पे जाने का चक्कर नहीं है। अभी रिसेंटली आई वाज इन पाकिस्तान, I was interviewed on PTV and Dawn, Jung, Express, Noi Vakt, everywhere. Okay, university में NUST में भी मैं lecture दे चुका हूँ, UMT में भी जा चुका हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी दे चुका हूँ और पंजाब US में भी दे चुका हूँ और भी बहुत जगह पे गया हूँ। तो मकसद ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बात ये कि हमें चाहिए, कोशिश ये चाहिए। अब मैं तो अटलांटा जॉर्जिया में हूँ, यहाँ पे अभी मतलब डिफरेंट टाइम है आपकी जगह से और हमारे टाइम का बहुत डिफरेंस है। मकसद ये है कि मैं हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है, उसको हम पीसी एम्बेसडर कहते हैं। हमारे पास एक पीसी एम्बेसडर ऑलरेडी है, जस्ट वन, राव तला, शायद आपने नाम सुना हो। 11 साल 11वीं क्लास में पढ़ता है, 16 साल का बच्चा है वो। माशाल्लाह ही इज मेकिंग अ वेरी गुड लिविंग ऑन फाइवर, ही हैज 16 एम्प्लॉइज। माशाल्लाह 16 साल का बच्चा है। पाकिस्तान में आप गांव की बात कर रहे थे, वो सरगोधा से 30 किलोमीटर दूर रहता है, ये भी मैं बता दूं। शहर से दूर है, 16 साल का बच्चा है। अच्छा 16 उसके एम्प्लॉइज हैं और वो 11वीं क्लास में पढ़ता है, ये मैं बता रहा हूँ। वो भी मेरे साथ, मैं उसको टीवी पे लेके गया हूँ, टीवी प्रोग्राम में भी था, मैं आपको इंटरव्यू का लिंक दे दूंगा। पीटीवी में वो मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ था। तो मेरा स्टूडेंट नहीं है वो, जैसी जैसे आप ले हो, हम क्या करते हैं इस प्लेटफॉर्म से आप जैसे लोगों को फिर आगे लेके जाते हैं ताकि आप लोगों को नेशनल रिकॉग्निशन मिले और आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म में अकेला बंदा कोई भी काम नहीं कर सकता, दो मिलके तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, 11 से ज्यादा ही होते हैं। 11 पुराना नंबर था, आजकल वो लग जाते हैं। आप जैसे डिटरमिन्ड लोगों के साथ होते हैं फिर एनर्जी का लेवल ही बहुत बढ़ जाता है। आपके साथ हूँ, बहुत शुक्रिया। इस तरह जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन जाएंगे, असल बात ये करने लगे ना। Exactly. हमें एज यंग जनरेशन को, मैं तो अब यंग नहीं हूँ लेकिन आप तो माशाल्लाह यंग हैं, वो भी लुक पेड फॉरवर्ड है, यंग लोग हैं। आप ही फ्यूचर इस मुल्क का, आपके साथ मिलकर हमें बहुत कुछ करना है, अच्छे काम करने हैं, लोगों को ये बताना है कि आप नेक नीति के साथ ऑथेंटिक होके योर ओन प्रोफाइल, अपनी ओन प्रोफाइल से क्लीन अप कर ले पहले, कोई बात नहीं। हम इंसान, हर एवरीबॉडी डिजर्व अ सेकंड चांस, गलत थे, क्वीन थे, किंग थे, बिल्कुल जो भी है उसको, कोई बात नहीं, हम हर इंसान गलतियां करता है। अ सेकंड चांस ये, अब मैंने नहीं कहा, सिर्फ दानियाल खान चौधरी साहब ने भी कह दिया है। अब आप प्लीज, दो बंदे आपसे बैक कर रहे हैं, अपना नाम सही कर लें, जैसे नादरा कार्ड पे लिखा हुआ है आपके, माशाल्लाह पेरेंट्स ने रखा था या आपके दादा दादी ने रखा था, नाना ने रखा था, खानदान में किसी ने रखा था, उन्होंने तो बड़े मान से रखा था कि इस बच्चे का नाम ये होगा, और आपने उसे नाम की, ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल सर ऐसी ऐसी कह रहे हो ना? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, आप दानियाल साहब, यू गेट अ लास्ट वर्ड, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? सर यंग जनरेशन को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आप किसी भी इलाके में रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, तो आप कभी भी ये अपने माइंड में मत रखें कि कल को मैं एक बैचलर डिग्री कर रहा हूं, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप अगर जॉब नहीं मिलेगी, आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप खुद ही कुछ, अगर आप वही कल्चर लेके आ रहे हैं कि मुझे, मैं कोई कल को डिग्री कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे जॉब मिलनी चाहिए, ये है वो है, तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं जा सकते। आपको खुद कुछ एम रखना चाहिए, आप प्लानिंग करनी चाहिए, 2 साल की 3 साल की 4 साल की पहले प्लानिंग करके रखो, कि अगर हमेशा आपके जहन में, आपके यानी कि लाइफ में सेकंड प्लान जरूर आना चाहिए। अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? देखिए, अगर मैं 2 साल पहले प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे पता था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो फिर मैं क्या करूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो जो मेरी
जो मेरा फर्स्ट पेन था, मुझे जो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसके रिलेटेड जॉब नहीं मिली, लेकिन मेरा सेकंड पेन काम कर गया एंटरप्रेन्योरशिप, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मुझे अब जो अपनी जॉब के अब फिक्र ही नहीं है क्योंकि मैंने खुद जॉब क्रिएट की है, मैं खुद लोगों को जॉब दे रहा हूँ। तो ये मेरा है कि जो यंग जनरेशन आ रही है, सबसे पहले वो ये फोकस करे, वो अपने माइंड से वो कल्चर निकाल दे जो कल्चर आज से 10 साल पहले था कि मैं डिग्री करूंगा और मुझे नौकरी मिलेगी। अब वो का नया कल्चर है जॉब्स खुद क्रिएट करने का। तो मैं ये नई जनरेशन को बता रहा हूँ, आपने ट्रेंड को चेंज कर देना है, कल्चर को चेंज कर देना है। आपने कभी नहीं सोचना कि मुझे जॉब मिलेगी, आपने सोचना है मैं जॉब क्रिएट करूं, मैं बाकियों के लिए जॉब बनाऊंगा, खुद तो मुझे मिलेगी मिलेगी, मैं बाकियों को इसका फायदा दूंगा। तो ये एम रख के चल रहे हैं, ये मत सोचें कि मुझे जॉब मिलेगी। एक मैं आपको एक बड़ी मजे की मिसाल देता हूँ कि लास्ट टाइम मैं, आप जानते हैं कि डॉक्टर मुख्तार अहमद जो है HEC के चेयरमैन, डॉक्टर मुख्तार अहमद HEC के, पाकिस्तान जो HEC है हायर एजुकेशन कमीशन के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी, मैं लास्ट कन्वोकेशन नस्ट में अटेंड करके आया, तो उन्होंने एक बात बोली, कहते कि हमने भी और आपने भी, हमारे जितने भी, हमने कोई ना कोई एक बाबा ढूंढा होता है, कोई एक मासी ढूंढी होती है जिसे हम दुआ करवाते हैं, कोई पेपर आ गया बाबा जी दुआ करें हम पास हो जाए, ठीक है, हम कहते हैं जब हमारी नौकरी का हो बाबा जी दुआ करें हमें नौकरी मिले, बाबा जी दुआ करें हमारा बिजनेस चले। कहते मैं भी वही था कि मेरे भी जहन में यही था, हमारे भी गाँव में एक बाबा था, मैं बाबा के पास चला गया, मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी दुआ करो मैंने नौकरी लग जाए। तो बाबा बड़ा अनपढ़ था, बाबा ने सिर्फ मुझे दो बातें बोली, पुत्र अल्लाह को नौकर मांग नौकरी ना मांग, पुत्र अल्लाह को नौकर मांग नौकरी ना मांग। तो कहते हैं कि वो पॉइंट था जिससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने कहा ये कितनी गहरी बात कर दी है। आज वो देखें कि बंदा माशाल्लाह से HEC का चेयरमैन है, तो वो उन्होंने ये बात बोली कि बेटा आप भी जितने भी यहाँ पे आज इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं, कभी भी जहन में मत रखना कि आपको पास आउट होते साथ ही जॉब मिलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, खुद जॉब्स क्रिएट करें जिससे आपको फायदा हो, आपके लोगों को फायदा हो, अगर आप ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो आपके पूरे मुल्क को फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत डैनियल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर विद अस टुडे ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी, ए प्रोजेक्ट ऑफ अल शरीफ फाउंडेशन ऑन द मिशन टू ट्रेन 1 million पीपल इन पाकिस्तान सो दे टू कैन सपोर्ट देमसेल्फ एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज एंड इट्स एंटायर कम्युनिटी। वी आर रियली अप्रिशिएट यू। दिस इज मोहम्मद सिद्दीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम अटलांटा जॉर्जिया, विशिंग यू गुड लक, गॉड सेव द नाइट, होप आवर पाथ क्रॉस नेक्स्ट अमेजिंग गेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर।